नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर हमारे संवाददाता संतोष योगी की खबर। श्रीराम कथा आयोजन समिति भोपाल द्वारा आनंद तीर्थ शिक्षा प्रकल्प माता बेदरी शाहपुर पर दिनांक 24 फरवरी 2024 से 28 फरवरी 2024 तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक समर्थ शिशु राम कथा का आयोजन निश्चित किया है, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक पंडित श्री श्याम स्वरूप जी मानवता के मुखारविंद से कथा का वाचन होना है। कथा के प्रथम दिवस आसपास के 20 ग्रामों से 1000 मातृशक्ति कलश यात्रा में सम्मिलित होंगी। कलश यात्रा दोपहर 11 से बीड़ापुर खजूरी रोड से मध्य स्थित जिंद बाबा के स्थान से प्रारंभ होकर माता बेदरी मंदिर होते हुए नवनिर्मित माधव छात्रावास भवन सरस्वती विद्या मंदिर आवासीय विद्यालय परिसर कथा स्थल तक दोपहर 1:45 तक पहुंचेगी। कथा का प्रारंभ दोपहर 2 बजे माननीय कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया जी मध्य प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित किया जाएगा। सर आपको परिचय दे, मैं एक महत्वपूर्ण परिचय कराता हूं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में सौभाग्य से उपस्थित हैं आदरणीय चंद्रहंस जी पाठक। आप जो है पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं और विद्या भारती का जो ग्रामीण क्षेत्र में मध्य भारत प्रांत में जो काम चलता है उसके आप माननीय प्रांत प्रमुख पूर्णकालिक कार्यकर्ता है, इस नाते हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मेरे साथ में है दाई ओर बैठे हुए आदरणीय श्रवण जी मालवी, इस विद्यालय के प्राचार्य हैं और ये जो समर्थ श्री शिशुराम कथा हो रही है इसके आप महाप्रबंधक हैं। और मेरे बाई ओर बैठे हुए हैं श्री नितिन जी मीणा, आप पास के ही रहने वाले हैं और आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। यहाँ जो राम कथा हो रही है उसके आप सह महाप्रबंधक इस नाते हमारे बीच में है। यह कथा में आसपास के 20 गांव से लगभग 2 से 2500 जो है जनता और धर्म प्रेमी बंधु और भगिनियां रोज देखने आने की संभावनाएं हैं। इससे यह जो कथा है यह जो आनंद तीर्थ शिक्षा प्रकल्प माता बेदरी मंदिर के पास शाहपुर गांव में निश्चित है, यहाँ हमारे जो विद्यालय का प्रांगण है उस विद्यालय के प्रांगण में ये कथा यहाँ पर 24 फरवरी दोपहर 2 बजे से और सायं 5 बजे तक, इस प्रकार से 5 दिन चलने वाली ये कथा और 24 फरवरी से लगाकर और 28 फरवरी तक चलेगी। 24 फरवरी को ये जो कथा हो रही है तो ये जो कथा के जो कथाकार है प्रवचनकार है पंडित श्याम स्वरूप जी मनावत जो उज्जैन के रहने वाले हैं और संपूर्ण देश भर के अंदर इस प्रकार की समर्थ शिशु श्री राम कथा का वाचन आपने किया है और यह एक विशेष प्रकार की कथा है जिसके अंदर हम ये चाहते हैं और कथा का व्यावहारिक प्रयोग और उसको समाज को लाभ मिलना चाहिए, इसके लिए समर्थ शिशु श्री राम कथा एक प्रकार का शीर्षक है। इसका मतलब है कि जो शिशु है वह समर्थ होना चाहिए और वह कोई भी दंपत्ति जो चाहेगा कि हमारे यहाँ अच्छी संतानों का जन्म हो तो वह वास्तव में उसकी ये कथा उस बात को ध्यान में रखकर की जा रही है। एक प्रकार से कथा का जो प्रथम 2 दिन है वह कथा का जिस प्रकार का जो कंटेंट है वह ये है कि 9 दंपति जिनके यहाँ अभी शादी हुई है और उनके यहाँ संतानों की अपेक्षा करते हैं वह भावी संतान की, तो उन्हें कैसा जीवन जीना चाहिए जिनके घर राम जैसे कृष्ण जैसे शिवाजी जैसे महाराणा प्रताप जैसे और इस प्रकार का पुत्र का जन्म हो तो उनको भी कौशल्या के समान और जीजा माता के समान और इस प्रकार का जीवन जीना होगा तप और तपस्या के साथ साधना के साथ में। ये कथा 2 दिन की शुरू दिनों में 2 दिन की कथा है। ये कथा का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जो देख रहे हैं अभी कि जिस प्रकार की हमको भावी पीढ़ी की आवश्यकता है देश धर्म को चलाने के लिए राष्ट्र धर्म को चलाने के लिए उस प्रकार के तेजस्वी युवाओं की आवश्यकता है, तो यह कोख से जन्म लेने वाले बच्चे अर्थात वे गर्भवती महिलाएं जो जिनके कोख में इस प्रकार के शिशु पल रहे हैं वह संपूर्ण समाज पल रहा है वास्तव में और वह कोख में एक प्रकार का मनोमय विकास हो जाता है और एक प्रकार से बुद्धि का विकास हो जाता है। ऐसा माना जाता है मनोवैज्ञानिक बाल मनोविज्ञान के द्वारा कि बच्चे का जो विकास है ऐसा 75% विकास वह कोख में ही हो जाता है। इसलिए 2 दिन की कथा उन जब जो गर्भवती महिलाएं रहती है तो उस समय क्या कैसे रहना चाहिए, घर वालों के साथ कैसा स्वभाव होना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए वह बच्चा सब सुनता है और समझता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है।
ठीक इसी प्रकार से अंतिम दो दिन की एक दिन की कथा जो है वह ये है कि बच्चे का पलालन पालन समाज कुटुंब और परिवार और आसपास के लोगों को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जिससे एक श्रेष्ठ संतति और अपना व्यक्तित्व जो है इस प्रकार से गढ़ सके, इस प्रकार की कथा का ये 5 दिन का एक प्रकार का कार्यक्रम है। नारायण सिंह चौहान, प्रबंधक आनंद तीर्थ शिक्षा प्रकल्प, पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूं विद्या भारती का और प्रांत का प्रशिक्षण प्रमुख। कथा के समापन पर प्रतिदिन श्रेणी सह बैठकें हैं। हम 24 तारीख को 5:30 बजे से जब कथा समाप्त हो जाती है 5:30 से 6:30 बजे तक प्रतिदिन श्रेणी सह बैठकें कर रहे हैं जो सामाजिक जीवन में परिवर्तन की आशा के साथ कर रहे हैं। प्रथम दिन आसपास के 50 युवाओं की बैठक है जो चयनित युवा हैं, उनके अंदर एक प्रकार से ये विषय रखने वाले हैं कि हम सामाजिक जीवन में परिवर्तन में एक प्रकार से युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है और राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इस प्रकार का ये विषय रहेगा। और इसी प्रकार से दूसरे दिन आसपास के शिक्षकों के लिए और जो प्रोफेसर है कॉलेजों में पढ़ाने वाले उनके लिए ये बैठक है और उस बैठक में विषय आएगा सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका। इसी प्रकार चौथे दिन जो है किसानों की बैठक है और इन किसानों की बैठक में है कि समग्र खेती करें और समग्रतापूर्वक खेती करने का भाव ये है कि हम एक प्राकृतिक खेती करें और हम जहर मुक्त खेती करें और इस प्रकार से प्राकृतिक खेती करते हुए और आज का जीवन जो है सुरक्षित कैसे रहे, हम जो अन्न उत्पन्न कर रहे हैं वह जहर मुक्त कैसे हो, इस विषय को लेकर किसानों की बैठक होगी। इसी प्रकार से 27 तारीख को ये जो है किशोरी बैठक है जिसमें 20 साल से और 30 साल की उम्र की बहनें आएंगी जिनको वास्तव में नारी शक्ति जीवन शक्ति होती है, इस विषय पर मार्गदर्शन होगा। इस प्रकार से ये सामाजिक श्रेणी की जो है 4 बैठकें होगी और 28 तारीख को समापन पर भंडारा भी होगा, महाप्रसाद होगा और इस प्रकार से यह कथा का समापन होगा। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।